वेलकम गाइस, वीवो का Y20A। इसमें अगर आपको हैंग टच की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे ये मैं बता दूंगा वीडियो के अंदर। बहुत इजी है, सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो आप इजीली जो है इस हैंग टच की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लेंगे। अभी देखो, ये मैं टच चला रहा हूँ तो ये टच जो है आगे पीछे वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये टच आगे पीछे वर्क कर रही है। तो इस सिचुएशन में क्या है, आपको टू फिंगर का यूज़ करना है। जब आप टू फिंगर का यूज़ करेंगे तो आपकी टच वर्क करने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेटिंग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जब इसे सेलेक्ट कर लेंगे तो डबल प्रेस करना, ओपन हो जाएगा। अब आपको टू फिंगर से नीचे आना है, यहाँ पे आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी वाला ऑप्शन मिलेगा, सेलेक्ट करके इस पर डबल प्रेस कर देना। तो यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, सेलेक्ट करेंगे डबल प्रेस। चार ऑप्शन है, यहाँ पे चार ऑप्शन है हमारे, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू ऑफ है, सेलेक्ट टू स्पीक भी ऑफ है, ठीक है। स्विच एक्सेस ऑफ है, टॉल बैक हमारा ऑन है, से हम सेलेक्ट करेंगे डबल प्रेस कर देंगे। फिर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर से भी डबल प्रेस कर देंगे। स्टॉप का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट करेंगे और डबल प्रेस, और ये हमारी जो है हैंग टच की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, ठीक है गाइस। अब सिंगल फिंगर से वर्क कर रहा है। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।